हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो के साथ यटी हार्ट गेमिंग में। तो गाइस फाइनली जो है गाइस अनडाउन जो है यहां पे रिलीज़ हो चुका है इंडिया में, और ये आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग इजीली से जो है गूगल प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस, सभी के लिए जो है अब ये अवेलेबल हो चुका है गाइस। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, गेम है काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस। जो है एंड्रॉयड वर्जन 5.0 से ऊपर में जो है डिवाइसेस उसके ऊपर ये रन कर जाएगा, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपके पास जिनके पास भी 6GB रैम और स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है गाइस, उनमें भी जो है इजीली से प्ले हो जा रहा है गाइस, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं गाइस, गेम के अंदर आप लोग जो है कैरेक्टर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आइज, नोज़, हेयर, जो भी आपको मतलब कलर जो कुछ चेंज करना है वो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं गाइस। मैंने अभी कुछ ऐसा यहाँ पे चेंज किया नहीं है, क्योंकि मुझे आगे भी जो है देखना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जो है कैरेक्टर फटाफट यही सिलेक्ट कर दिया है, कुछ ऐसा कस्टमाइजेशन नहीं किया है। बाकी आप लोग यहाँ पे इसका जो है नाम वगैरह लिख सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी अपना जो है नाम यहाँ पे ऐड कर देना है गाइस, आपका जो है यहाँ पे कैरेक्टर का नाम आ जाएगा फिर उस तरीके से। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, मैं चैनल का नाम डाल रहा था यटी हार्ट गेमिंग, बट गाइस यहाँ पे इतना लंबा नाम आया नहीं, तो गाइस यटी हार्ट जी हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी जो है गाइस गेम स्मूथ है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सिनेमेटिक आ चुका है गाइस। और गाइस मैं गेम की साइज़ की बात करूँ तो आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से अगर इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है गाइस गूगल प्ले स्टोर पर 380 MB के लगभग आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है गाइस इन गेम में आपको जो डाउनलोड करना है गाइस वो 4.5 GB करना है गाइस। 4.5 GB के बाद जो फिर एक बार और जो इसका जो पैक डाउनलोड होगा गाइस वो 2 GB या 2.5 GB के करीब जो है डाउनलोड होगा। तो गाइस इतना सब कुछ आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। और गेम देख सकते हैं गाइस यहाँ पे सिनेमैटिक काफ़ी अच्छा है, और स्टोरी लाइन वगैरह आपको जैसे सर्वाइवल और एक्शन मतलब जॉम्बी से लड़ना इस टाइप का जो है, इस प्रकार का जो एक गेम है गाइस, और काफ़ी जो है अच्छा गेम है। यहाँ पे आपको फुल मज़ा आने वाला है इसको खेल के, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो इसे गाइस इंस्टॉल किया है सारा कुछ डाटा मैंने इसका डाउनलोड किया गाइस, जितना मैंने आपको अभी इस पिछले वीडियो मतलब बताया। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिनेमेटिक चल चुका है और बिल्कुल लैग नहीं होगा गाइस। मेरा जो डिवाइस है काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, मिड रेंज डिवाइस है जो है गेम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चला पाएगा, बट ये है क्योंकि नया गेम है तो यार मैंने सोचा ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा लो एंड डिवाइसेस के लिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा चल रहा है गाइस। अभी मैंने कोई सेटिंग वगैरह चेंज नहीं की है जो गेम की सेटिंग्स होती हैं, बट ये है उसके बावजूद भी जो ऑटोमेटिक जो ग्राफिक सेटिंग है गाइस उस पर जो है ये गेम अभी रन कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैंने जो है कोई सेटिंग्स वगैरह हाई वगैरह नहीं किए हैं, जो ऑटोमेटिकली गेम की तरफ से जो मुझे सेटिंग्स अवेलेबल हुई हैं मैं उस पर जो गेम है रन कर रहा हूँ। स्नैपड्रैगन 660 और जो है 6GB रैम है गाइस इसमें, और एड्रिनो 512 प्रोसेसर है। तो गाइस लो एंड डिवाइसेस में भी जो गेम है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है, कोई यहाँ पे ग्लिच वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हैं गेम जो है काफ़ी स्मूथ यहाँ पे चल रहा है गाइस, मतलब काफ़ी जो अच्छा है लो एंड डिवाइसेस के लिए जो है ऑप्टिमाइज हो चुका है गेम। और देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे मतलब गेम प्ले का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है अनडाउन गेम के अंदर। तो गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और फुल टू एक्शन यहाँ पे आप लोग करेंगे। वेपन्स वगैरह देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, वेपन कस्टमाइज अपग्रेड कर सकते हो आप लोग, तो बहुत चीज़ें हैं गाइस। जॉम्बीज को शूट करो और आगे बढ़ो तो वही मिशंस वगैरह आएंगे, तो इस तरीके का जो गेम है आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस। ओवरऑल आप लोग जैसे गेम प्ले आप लोग आगे देख ही रहे हैं किस तरीके का जो गेम प्ले है गाइस, यहाँ पे जो आपको ये जो एरो है वो ले जाता रहेगा आपको मिशंस की तरफ, तो आपको उसी एरो के सीध में ऐसे मतलब आगे बढ़ना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जॉम्बी आ गए और हमें इसे इस नाइफ से मारना है, तो गाइस देख सकते हैं खुखरी टाइप है, बड़ा ख़तरनाक नाइफ, तो गाइस इससे हमें जॉम्बी को शूट करना है। तो ये स्टार्टिंग का वो है ट्यूटोरियल टाइप, तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गेम, और आगे जाके हमें वेपन्स हर चीज़ जो है कलेक्ट करनी है मिशंस के हिसाब से। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जो अच्छा है ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ग्राफिक्स में भी ऐसा जो है कि कमी नहीं है,
लो सेटिंग्स है गाइस, उसके बावजूद भी जो है मतलब ठीक ठाक मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके का जो गेम है आपका स्मूथ मतलब प्ले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है यार गेम में ना। तो आप लोग इसको अपने लो एंड डिवाइसेस में भी मतलब जिनके पास लो एंड डिवाइसेस है वो भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब जो आपका डाटा है वो वेस्ट नहीं होगा। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना यार ज़्यादा MB का गेम है, मतलब जीबी का ये है 8, मतलब टोटली साइज़ इसका 8.5 GB बन जाएगा गाइस। और उसके बाद भी अगर आपको गेम ना चले आपके डिवाइस में तो बुरा लगता है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि लो एंड डिवाइसेस वाले भी जिसकी 6 GB रैम है गाइस और स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है, तो गाइस वो लोग सुन लो, क्योंकि इसके जो नीचे के हैं वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इससे जो ऊपर के प्रोसेसर है वो तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और इन जिनके पास जो स्नैपड्रैगन 660 है या जो भी GPU हैं अदर कंपनीज़ के, जैसे मीडिया टेक के हैं गाइस, G80 हो गया, G95 हो गया, तो इनमें तो काफ़ी अच्छा चलेगा ये। बट यस, स्नैपड्रैगन 660 मतलब मिड रेंज का प्रोसेसर है और काफ़ी पुराना है, जब ये ऐसी गेमिंग करवा सकता है तो यार जो अदर जो अच्छे अच्छे मिड रेंज के प्रोसेसर हैं गाइस और वो भी करा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको गेमिंग एक्सपीरियंस में, आप लोग इजीली से इसको खेल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं गाइस, काफ़ी स्मूथ जो गेम है वो चल रहा है आप लोगों के सामने है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके बावजूद भी जो गेम है काफ़ी स्मूथ मुझे देखने को मिला है। तो विदाउट अगर मैं बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इसको अगर प्ले करता हूँ तो उसके बाद भी गाइस इसको मतलब खेलने में मज़ा आ जाएगा, आप लोग देख ही सकते हैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई लैग लुग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस यही सब कुछ मुझे आपको जानकारी देनी थी कि गेम जो है अवेलेबल हो चुका है, लेवल इन्फिनिट की तरफ से जो है ये गेमिंग गेम जो है डेवलप हुआ है गाइस, और पहले जो है टेंसेंट का कुछ सीन बोले थे इसमें वो हट चुका है, तो बाकी जो अभी जो है लेवल इन्फिनिट की तरफ से आया है। तो गाइस अभी तो ये अपने जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है इंडिया में, बाकी देखते हैं बाद तक कब तक रहता है, लेकिन जब तक भी है गाइस आप लोग खेल सकते हो, अभी तो है, खैर जब तक है तो यार आप लोग इन्जॉय करो गेम को, खेलो आराम से, काफ़ी अच्छा गेम है, मैं भी आपको मतलब नहीं बोलूँगा कि मत खेलो, काफ़ी अच्छा गेम है, खेलो इन्जॉय करो। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे शूटिंग वगैरह सब कुछ है, शॉर्ट गन यहाँ पे मिल चुके हैं गाइस, तो गाइस वही है मतलब इन्जॉय कर लोगे आप, जिसको भी मतलब इस तरीके के गेम खेलना पसंद है ना उनके लिए भाई मज़ेदार गेम है, आप लोग इन्जॉय कर सकते हो गाइस। और बस यही कहना चाहूँगा और यही जो जानकारी थी मुझे आप लोगों को देनी थी कि जो है इंडिया में भी अवेलेबल है गाइस, पहले तो था नहीं अब है, तो यार आप लोग इन्जॉय करो इसको, खेलो जब तक है, लेवल इन्फिनिट की तरफ से आया है तो खेलो, बाद में देख सकते हैं। जो है अपना एक गेम बीच में भी आया था, हॉरर गेम था गाइस कोई, तो वो भी हट गया था, तो देख सकते हैं अभी ये तो है, जब तक है तब तक खेलो और बात की बाद में देखेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कि मैं ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको किसी और न्यू गेमिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ऐसे बने रहिएगा चैनल पर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।